हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आज हम इसके सभी बेसिक फार्मूले स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फार्मूलेज आज हम स्टडी करना है वो आपके सामने है। ये फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी टाइप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टडी करने के पहले अगर आपने सेंट्रोइड की स्टडी कर ली है तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने सेंट्रोइड की स्टडी कर ली है, अगर आपको सेंट्रोइड के सभी कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड के प्रॉब्लम में एक्स और वाई फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। अगर आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना आता है तो फिर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स में भी एक्स और वाई आसानी से निकाल पाओगे। इसीलिए पहले सेंट्रोइड की प्रैक्टिस करो, पहले आप सेंट्रोइड स्टडी करो, देन आफ्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्टडी करो, ठीक है। तो सेंट्रोइड, इसके पहले ऑलरेडी हमने सेंट्रोइड के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोज अपलोड किए थे, उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी हमने कवर किए थे, तो वो वीडियोज आप देख सकते हैं, उससे आपका सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्स और वाई फाइंड आउट करना, और वही एक्स और वाई आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व करना होता है। सेंट्रोइड जनरली टू डायमेंशनल प्लेन का फाइंड आउट करना होता है, जैसे रेक्टेंगल या ट्रायंगल या सर्कल या सेमी सर्कल या क्वार्टर सर्कल, ऐसे टू डायमेंशनल प्लेन का जो सेंटर होता है उसको सेंट्रोइड कहते हैं। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थ्री डायमेंशनल सॉलिड का होता है, जैसे सिलेंडर या कोन या क्यूब या हेमिस्पियर या स्पीयर या कोई भी पिरामिड या प्रिज्म। तो ये जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको यही एक कॉन्सेप्ट समझना है कि सेंट्रोइड कहाँ फाइंड आउट करना होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल यहाँ पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टडी करने वाले हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फार्मूलेज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इतने टाइप के शेप्स होते हैं, देखो इतने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड के फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए। कितने सॉलिड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल 5 सॉलिड लिए हैं। सबसे पहला है सिलेंडर, दूसरा है कोन, तीसरा है स्पीयर, चौथा है हेमिस्पियर और लास्ट में है क्यूब, ठीक है। इसमें आप क्यूबॉइड भी जोड़ सकते हैं, क्यूब के बाद क्यूबॉइड, यानी ये जो क्यूब है इसमें सभी प्लेन जो है वो स्क्वायर शेप के होते हैं, जबकि क्यूबॉइड में हर एक प्लेन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताते हैं, चलो। लेकिन स्टार्टिंग अब हम जो है वो यहां से कर लेंगे। सबसे पहले सिलेंडर, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिलेंडर अगर आपके सामने हो तो सबसे पहले आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए, ये सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू पाए आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाए, पाए का जो सिंबल है वो कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है। जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप जब कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो कैलकुलेटर में पाए का सिंबल होता है, सबसे नीचे में पाए का सिंबल होता है, आप वो सिंबल का यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप कैलसी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको पाए की वैल्यू 3.141 ऐसा यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैलसी का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखो आप पाए का सिंबल ही यूज करो, पाए का वैल्यू 3.141 ऐसा मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला हमने स्टडी कर लिए, पाए आर स्क्वायर एच, एच यानी हाइट और आर माने रेडियस। ये जो सिलेंडर है इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह सर्कुलर बेस होता है, देखो इसका जो बेस है नीचे का वो सर्कुलर बेस है, नीचे भी और ऊपर भी। तो जाहिर सी बात है अगर ये सर्कल है तो सर्कुलर बेस का जो सर्कल होता है उसका रेडियस कुछ ना कुछ होता है। तो ये देखिए, ये रेडियस को आर से शो किया जा रहा है, तो यही रेडियस आपको यहाँ यूज करना है। और जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट होता है एच, तो यहाँ पे वो हाइट आपको यूज करना है, ठीक है। हाइट और रेडियस क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बीचों बीच होता है, देखो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है ये एक एक्सिस के ऊपर है। देखो यहाँ पे हमने एक एक्सिस बनाया है, एक्सिस का ऊपर का एंड ओ और नीचे का एंड पी, और एक्सिस के बीचों बीच आपको कहा, आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट दिख रहा है। और ये कितने डिस्टेंस पर है, तो ये नीचे से बेस से हाइट बाय टू के डिस्टेंस पर है। अगर ये नीचे से हाइट बाय टू के डिस्टेंस पर है तो ऊपर का ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये भी हाइट बाय टू रहेगा, हाइट बाय टू प्लस हाइट बाय टू टोटल हो जाएगा हाइट एच, ओके। तो बस आपको ये समझना है कि ये हाइट बाय टू है। सिलेंडर में एक्स फाइंड आउट करने के लिए जनरली रेडियस का यूज होता है और वाई फाइंड आउट करने के लिए जनरली हाइट बाय टू का यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे हम वो लिख के देते हैं, एक्स फाइंड आउट करने के लिए जनरली रेडियस का यूज करेंगे और वाई फाइंड आउट करने के लिए हाइट बाय टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सिलेंडर को स्टडी कर लिए और अब आते हैं नेक्स्ट सॉलिड की तरफ। नेक्स्ट सॉलिड है कोन, ठीक है। तो यहां पर जो कोन है, देखो कोन और सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है।
डिफरेंस ये है कि सिलेंडर में दो सर्कुलर बेस है नीचे ऊपर, लेकिन कोन में सिर्फ एक ही सर्कुलर बेस होता है जो कि नीचे होता है। अब जाहिर सी बात है बेस जो है वो सर्कुलर है, तो सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा, तो रेडियस को हम कहेंगे आर। ठीक है, देखिए इस तरह से ओके। और ये जो कोन है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट अगर करना है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है वी इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहां पे सिर्फ 1/3 है जबकि यहां पे 1/3 नहीं है, बस ये एक डिफरेंस है, बाकी पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है और इसमें भी है ओके। और ये जो कोन है, कोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहां पे है वो चेक करो, तो कोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फिर से एक्सिस के ऊपर है, जैसे सिलेंडर में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट एक्सिस के ऊपर था, वैसे यहां कोन में भी एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस का नाम है ओपी, ओ जो है वो ऊपर वर्टेक्स दैट इज अपेक्स है और पी जो है वो सर्कुलर बेस का मिड पॉइंट है ओके। और ये एक्सिस के ऊपर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट दिख रहा है, लेकिन यहां इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो एक्सिस के बीचों बीच है, एट द मिडल ऑफ एक्सिस, एट द सेंटर ऑफ एक्सिस, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो बेस से थोड़ा सा ऊपर है, ये बेस से थोड़ा सा ऊपर है, ये कितना ऊपर है तो ये हाइट बाय 4 के डिस्टेंस पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट एक्सिस के ऊपर बेस से हाइट बाय 4 के डिस्टेंस पर होता है, बेस से हाइट बाय 4, ये आपको ध्यान में रखना है, अपेक्स से नहीं, ऊपर से हाइट बाय 4 नहीं लेना है, नीचे से हाइट बाय 4 लेना है, जहां पे बेस है वहां से आपको हाइट बाय 4 लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोन में एक्स फाइंड आउट करना हो तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए जनरली आर का यूज होता है, यानी रेडियस का यूज होता है, और वाई फाइंड आउट करने के लिए जनरली हाइट बाय 4 का आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हमने आपको बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉलिड, तो नेक्स्ट सॉलिड आपके सामने है, यह है स्पीयर। स्पीयर जो है जाहिर सी बात है स्पीयर ड्रॉ करने के लिए आपको एक रेडियस का यूज करना होता है, क्योंकि स्पीयर जो है वो सर्कुलर होता है। तो स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला देखो, स्पीयर का वॉल्यूम दैट इज वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूलेज काफी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूलेज आपको तुरंत एट द टाइम ऑफ एग्जाम याद आना चाहिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का सिंबल आपको कैलकुलेटर से ले लेना है और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और इसमें स्पीयर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट स्पीयर के बीचों बीच है, और जाहिर सी बात है अगर ये डिस्टेंस अगर रेडियस है तो यहाँ पे सभी डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, आप सेंटर से यहाँ से कोई भी डिस्टेंस फाइंड आउट करो तो वो रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्पीयर में एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ रेडियस का यूज करना है, यानी एक्स जो है वो भी रेडियस से मिलता है और जो वाई है वो भी रेडियस से मिलता है स्पीयर में ओके। तो इस तरह से हमने स्पीयर को स्टडी कर लिया, और अब आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट सॉलिड, ये है हेमिस्पियर। ये जो स्पीयर होता है, स्पीयर को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इट मीन स्पीयर को अगर आप बीच में से कट कर लेंगे तो जो एक पार्ट है वो कहलाता है हेमिस्पियर, यानी आधा स्पीयर। तो ये देखिए, ये स्पीयर आप ये हेमिस्पियर आपके सामने है, हमने स्पीयर को आधा कट किए हैं तो ये हो गया हेमिस्पियर। तो हेमिस्पियर जो है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला देखो, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे न्यूमरेटर में 4 है, यहां न्यूमरेटर में 2 है, वो हाफ हो गया, आधा हो गया, इसलिए 4 का हाफ करना है, इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन x और y फाइंड आउट करने में देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहां पे x और y दोनों जो है वो रेडियस थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये जो हेमिस्पियर है, हेमिस्पियर का ये जो पार्ट है ये ऐसा सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये हेमिस्पियर का ऊपर का पार्ट अगर सर्कुलर है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो ये रेडियस यानी आर। और ये जो हेमिस्पियर है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहां पे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। तो हेमिस्पियर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट देखो, ये जो ऊपर का सर्कल है ये सर्कल के सेंटर से थोड़ा सा अंदर है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हेमिस्पियर में गलती करते हैं, लेकिन हेमिस्पियर में आपको गलती नहीं करना है। ये जो हेमिस्पियर है ये जनरली दैट इज सेमी सर्कुलर होता है। जैसे देखो, अगर हम इसका 2 डायमेंशनल व्यू अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये फिलहाल हम आपको यहां जस्ट रफ में बता रहे हैं। ये देखिए, ये हेमिस्पियर ऐसा, ये हमने 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ किया है जबकि ये हमने 2 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ किया है। तो यहां पे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहां होता है। तो ये जो डायमीटर है देखो, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, तो ये डायमीटर का सेंटर ले लो और इसके नीचे देखो, इसके नीचे यानी इसके अंदर ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जी। देखो, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट
डायमीटर के मिड पॉइंट के अंदर हमने सेंट्रोइड में भी यही स्टडी किए थे। सेंट्रोइड में भी सेमी सर्कल में सेंटर का पॉइंट जो है वो जो सेंटर है वो डायमीटर के मिड पॉइंट के अंदर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी बिल्कुल वैसा ही है। ये जो सर्कल है ये सर्कल का जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट यानी ये सर्कल से थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई दे रहा है हेमिस्फीयर के अंदर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। और ये कितना नीचे होता है कितना अंदर होता है ये यहाँ पे लिखा है 3r/8। ये 3r/8 इतना डिस्टेंस अंदर होता है, ठीक है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 3r/8। ये डिस्टेंस 3r/8 है। ऊपर का जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है वहां से अंदर है कितना डिस्टेंस अंदर है, तो 3r/8 ये डिस्टेंस अंदर है। बस आपको ये समझना है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हेमिस्फीयर हमेशा इसी तरह से दिया रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा, कभी वर्टिकल दिया रहेगा, कभी सीधा दिया रहेगा, कभी उल्टा दिया रहेगा। तो वो हेमिस्फीयर कौन से पोजीशन में दिया है वो आपको पहले चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूलेज जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये जो दिया है ये सीधा हेमिस्फीयर दिया है, अब इसका उल्टा अगर हेमिस्फीयर हो तो उल्टा हेमिस्फीयर ये ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं उल्टा हेमिस्फीयर ये ऐसा हो सकता है, ये देखिए ऐसा उल्टा। इसका मतलब ये जो सरफेस है ये ऐसा नीचे चला गया और जो सेमी सर्कुलर शेप जो है वो ऐसा ऊपर से आ गया, ऐसा ये उल्टा हेमिस्फीयर हो सकता है। अब इसमें वर्टिकल हेमिस्फीयर भी हो सकता है। वर्टिकल हेमिस्फीयर माने ऐसा जिसमें डायमीटर ऐसा वर्टिकल हो जाएगा और ये इधर से इसका सेमी सर्कुलर पार्ट इधर से रहेगा, ऐसा वर्टिकल हेमिस्फीयर हो सकता है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है जिसमें जो सेमी सर्कुलर जो कर्व है वो इधर ये साइड में हो सकता है। देखो ऐसा भी हो सकता है। तो किस टाइप से आएगा एग्जाम में वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो पोजीशन दिया है, या तो ऐसा रहेगा या तो ये टाइप से रहेगा या तो ये टाइप से रहेगा। ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है, और ये दोनों वर्टिकल हो गए, ठीक है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल तो ये दोनों वर्टिकल, तो इस टाइप से हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए देखो अभी फिलहाल ये सीधा पोजीशन में है, ठीक है, ये सीधा है, तो ऐसे में एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको आर का यूज करना है और वाई फाइंड आउट करने के लिए 3r/8 का यूज करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई लिख के देते हैं। एक्स फाइंड आउट करने के लिए आर का यूज करना है और वाई फाइंड आउट करने के लिए 3r/8 का यूज करना है हेमिस्फीयर में, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो वर्टिकल हो गया, अगर ये हेमिस्फीयर सीधा है या उल्टा है, अगर ये टाइप से है या अगर ये टाइप से है, तो x और y फाइंड आउट करने के लिए r और 3r/8 ये सेम रहेगा। लेकिन अगर ये वर्टिकल हो जाए, अगर वर्टिकल हेमिस्फीयर हो जाए, तो ऐसे में इसको आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऐसे में फिर x फाइंड आउट करने के लिए 3r/8 का यूज करना है और y फाइंड आउट करने के लिए आपको r का यूज करना है यानी रेडियस का यूज करना है। वैसे अभी आपको इसमें थोड़ा सा अगर डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हेमिस्फीयर जो है वो ये शेप का होता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला, एक्स फाइंड आउट करने के लिए आर, तो वाई फाइंड आउट करने के लिए 3r/8, और हेमिस्फीयर का सेंटर कहाँ होता है तो ये ऊपर के सर्फेस से थोड़ा सा अंदर में हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। ओके, तो ये हो गया हेमिस्फीयर। और अब नेक्स्ट सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं, ये है क्यूब। देखो ये क्यूब आपके सामने है, क्यूब में सभी सरफेसेस जो है, सभी जो फेसेस है वो स्क्वायर शेप के होते हैं। यहाँ पे ऑल साइड सेम है, क्यूब में ऑल साइड सेम है, कोई भी साइड जो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, हर जगह स्क्वायर है, ऑल साइड सेम, और यही क्यूब की स्पेशलिटी है। और क्यूब की ऑल साइड सेम है तो ऑल साइड, देखो मान लो कि वो साइड ए है, देखो हर साइड ए है, तो ऐसे में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या रहेगा, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला रहेगा दैट इज ए क्यूब। जैसे क्यूबॉइड में जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे ए इंटू ए इंटू ए, क्योंकि लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और ब्रेथ भी ए है, दैट इज बेस इंटू हाइट, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किए तो यहाँ पे ए क्यूब इस तरह से आता है। तो ये क्यूब में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहाँ होता है, तो क्यूब में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, देखो बीचों बीच। और इसका मतलब ये है अगर वो सेंटर में है तो एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस बाय टू और हाइट बाय टू का यूज करना है। बेस और हाइट जो है वो ए के फॉर्म में है, तो ऐसे में एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ए बाय टू और वाई फाइंड आउट करने के लिए भी आपको ए बाय टू का यूज करना है, यानी हाइट बाय टू और बेस बाय टू। बेस बाय टू देखो बेस जो है वो ए के फॉर्म में है, हाइट जो है वो भी ए के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हाइट बाय टू, बेस बाय टू यानी डिवाइडेड बाय टू
आपको करना है जो भी साइड का लेंथ दिया है उसमें डिवाइड बाय 2 करना है, a/2 x और y फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से ये हमने क्यूब को स्टडी कर लिए। और जैसा हमने कहा था कि क्यूब की तरह एक क्यूबॉइड भी होता है, क्यूबॉइड में क्या रहेगा, हर एक जो फेस है वो रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, यानी फ्रंट में रेक्टेंगल, साइड में रेक्टेंगल, ऊपर रेक्टेंगल, पीछे रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल, हर जगह आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं क्यूबॉइड। अगर स्क्वायर शेप में है तो उसको कहते हैं क्यूब, जिसमें ऑल साइड सेम होते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर शेप में है और वो सॉलिड को कहते हैं क्यूबॉइड। तो ऐसे में क्यूबॉइड में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करना है। देखो उसका फॉर्मूला हम यहां पे जस्ट लिख के देते हैं, क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करना है। देखो ये आपको क्यूबॉइड में करना है, फिलहाल ये क्यूबॉइड नहीं है, जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्यूबॉइड में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज करना है, और क्यूबॉइड में एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यही रहेगा, लेकिन वो ए के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो वो रहेगा दैट इज बेस बाय 2 और हाइट बाय 2। देखो बेस बाय 2, हाइट बाय 2, ये फार्मूला यूज करके आप क्यूबॉइड में एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बेस बाय 2 और हाइट बाय 2, क्योंकि उसमें बेस और हाइट के फॉर्म में होता है इसीलिए, लेकिन यहां पे क्यूब है, ऑल साइड सेम है और ऑल साइड ए है, इसलिए a/2 जैसा हमने कहा। तो फाइनली ये सभी सॉलिड में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला स्टडी कर लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसका यूज करके हम आने वाले दिनों में इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये सभी फॉर्मूलेज में सबसे इंपॉर्टेंट था वॉल्यूम का फॉर्मूला, देन आफ्टर एक्स और वाई का पोजिशन, ठीक है, एक्स और वाई का पोजिशन क्या होता है, और सेंटर का पोजिशन, पर्टिकुलर सॉलिड में सेंटर कहां होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर एग्जैक्टली कौन से प्लेस पे होता है और उसका एक्स और वाई का पोजिशन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये था आज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फर्स्ट लेक्चर, इसके आने वाले दिनों में हमें इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।